रोजगार कहीं नहीं जाए, मेरी बीवी ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाए। तो अभी तुमने सबूत देखे हैं, फिर भी तुम उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मृणाल ने कुछ गलत नहीं किया। इतनी देर से मैं चुप था क्योंकि मैं जानता था, ये सब कुछ जानता था। इतनी देर से मैं चुप था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आप सबके मन में कितना जहर भरा हूं। ये वीडियो मैंने देख लिया, उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि मृणाल ने कुछ गलत नहीं किया। वैभव, एक आखिरी बार मृणाल से मिलना चाहता हूं। मृणाल मुझसे छुप कर नहीं, मुझसे मृणाल मुझसे छुप कर नहीं, मुझसे पूछ कर कही। वैभव, एक आखिरी बार मिलना चाहता था, सब कुछ खत्म करना चाहता। अरे मुनाल तो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। मैंने ही उससे कहा अगर तुम नहीं जाओगी तो मन में 10 सवाल उठेंगे, उससे बेहतर यही है कि एक बार जाकर सब कुछ खत्म कर दो, जिससे हमारी शादी से पहले ये गुणनाथ, ये वैभव का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिससे जो हमारे लिए अच्छा हो, मेरी लाइफ के लिए गुण। जिससे शादी से पहले ही वैभव का चैप्टर हमें समझ आए। वैभव एक आखिरी बार मिलना चाहता था, सब कुछ खत्म करना चाहता था। अरे मुन्हा तो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी। मैंने उसे कहा अगर तुम नहीं जाओगी तो मन में 10 सवाल अटके रहेंगे, इससे बेटर यही है कि एक बार में जाके सब कुछ खत्म करो, जिससे हमारी शादी से पहले ये वैभव का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा होगा ना मेरी लाइफ के लिए, मृणाल की लाइफ के लिए, आने वाले बच्चे की लाइफ के लिए। अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, वो मृणाल का रिश्ता था। और जब रिश्ते खत्म होते हैं ना तो अच्छे से गुड बाय करना चाहिए। मृणाल ने मेरे कहने पर वैभव से मिलने गई थी, बिना कुछ जाने पहचाने सोचे आपने इतना बड़ा तमाशा कर रहा है। अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, वो मृणाल का रिश्ता था। अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, वो मृणाल का रिश्ता था। और जब रिश्ते खत्म होते तो उसे अच्छे से गुड बाय करना चाहिए। अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, वो मृणाल का रिश्ता था। जब रिश्ते खत्म होते हैं तो उसे अच्छे से गुड बाय करना चाहिए। मृणाल मेरे कहने पे वैभव से मिलने गए, और आपने बिना कुछ जाने सोचे समझे इतना बड़ा तमाशा बना दिया आज के दिन। पम्मी जी, बॉबी वो कैसे नीच गलीज